इसी स्क्रीन पे हम गाड़ी चालू करने से पहले एक बार आगे जाके पूरा टूटा हुआ पूरा देख लिया। अब ड्राइवर भी उसकी बात को मान लिया और दो लोग आगे गए एग्जामिनेशन के लिए, तो सही और बुरा हुआ था। ठीक है, अब सही में पुल टूटा हुआ पता कैसे चला उसको, जबकि वो ऑलरेडी ट्रेन में खोया हुआ था। सो नाउ उसकी बात पर बहुत सरप्राइज हो गए सारे सारे, उनके जितने भी इंजीनियर थे रेलवे वाले, ये हुआ कैसे, हाउ इट हैपन। उसको कैलकुलेट सीखा कि जब मैं सोया था सामने से ट्रेन क्रॉस हुई, ठीक है, ट्रेन क्रॉस हुई उसके सामने ना आवाज आने बंद हो गया उसके आने के बाद। बोले वो कैसे हुआ, जब भी हमको ट्रेन में ट्रेवल करते ना तो ऐसे सस्पेंशन का आवाज आता है, वो होता है ना, वो आपका एक वेज जाता है और वापस रिटर्न आता है। अगर वेज कंटिन्यू चला गया ना तो समझ लो आगे कोई प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब कभी रिटर्न नहीं आता है, ठीक है, तो एक इम्पैक्ट होता है, वो इम्पैक्ट कैलकुलेशन के हिसाब से उसने समझाया। दूसरी चीज उसने समझाई कि फ्रिक्शन जो है वो फ्रिक्शन आना बंद हो गया। थर्ड चीज उसने बताई जो स्पीड है ना, स्पीड के हिसाब से अगर हम लोग जाते हैं ना तो डेफिनेटली हम लोग सारे बच्चे, तो ये बन गया अपना हीरो। उसने कितने मतलब अगर वो चेंज नहीं किया तो वो तो कुछ मरता तो मरता, लेकिन ट्रेन में जितने भी सवाल तो सारे मरते। जानते हो उस हीरो का नाम क्या है, जानते हो, ऑलरेडी मेंशन किया होता है इस लाइन में, ठीक है। मैंने आपका अंग्रेज होता है उसको जानने लगे, सब आपके कैलकुलेशन समझने लगे कि रेलवे में एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, उनकी जितनी भी डिफिकल्टी ना वो सारे सॉल्व किए। तो ये समझ लो कपड़े से उसने हीरो नहीं बना था ना उस टाइम कि वो अपनी काबिलियत को महसूस करता है। आज हम स्पेशली इंडिया में अगर इंजीनियर डे सेलिब्रेट करते बिकॉज ऑफ ऑनली ही।